Good morning, students. Yesterday we discussed the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab inserted inside it and the capacitance of a parallel plate capacitor with conducting slab inside it और एक dielectric strength का टॉपिक किया था. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कल हमने क्या किया था. तो हमने dielectric strength आपका कल देखा था. तो आपका dielectric strength क्या होता है कल हमने किया था. तो dielectric strength होता आपका मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाई इलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. मतलब जो मैक्सिमम हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक पे बिना उसके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. और हमने देखा था भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो वी इक्वल टू एड के थ्रू ही निकलता है. ई ई ब्रेकडाउन आपका आता है V breakdown divided by D. फिर हमने एक यूनिट आती है कई बार इसके एग्जाम में SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो वो बनेगी आपकी वोल्ट पर मीटर. इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट होती है. तो ये हमने कर लिया था कल. एक्सप्लेनेशन भी देख ली थी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है. अब उसके बाद हमने किया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सॉरी जब कैपेसिटेंस हमें निकालना हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया हो, तो हमने क्या किया था, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया था. फिगर आपको पता ही है. अब बस डिफरेंस एक था कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में. द डिफरेंस वॉज डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस आपके बने हैं एंड्स पे वो बने हैं पोलराइजेशन की वजह से, और कंडक्टिंग स्लैब में जो चार्जेस आते हैं वो आते हैं आपके बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. अब जब हमने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया था, पोलराइजेशन की वजह से उसके अपोजिट एंड्स पे चार्जेस आ गए. अब उसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई थी, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लेट्स की वजह से वो थी ई नॉट, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई वो थी ई पी, और इन दोनों का डिफरेंस करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई जिसको हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं वो आई ई नॉट माइनस ई पी. डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस थी आपकी टी, डिस्टेंस था प्लेट्स के बीच में डी, और हमने पोटेंशियल निकाला. पोटेंशियल के लिए कंसेप्ट यूज किया था वी ऑफ एयर प्लस वी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. पोटेंशियल से शुरुआत क्यों की थी, क्योंकि हमें पता है क्यू इक्वल टू सी वी फॉर्मूले का यूज होगा. सी आपका निकलेगा क्यू बाई वी. अब चार्ज हमारे पास ऑलरेडी है क्यू, वी हमें चाहिए, तो वी इक्वल टू एड का यूज़ किया था उसके बाद. और हमने एड का यूज़ करते वक्त दिमाग में ध्यान रखा था कि एयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और डी डिस्टेंस क्या है डी माइनस टी, जिस भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो सॉरी एयर रहती है, और एयर आपकी डी माइनस टी वाले रीजन में, पहले डी में थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने के बाद डी माइनस टी में रह गई. उसके बाद आपका वी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक आया था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई और थिकनेस थी टी. फिर हमने ई को चेंज कर लिया था ई नॉट की टर्म्स में, किसका यूज़ करके, एक फॉर्मूला होता है के इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, के इक्वल टू ई नॉट बाई ई का यूज़ करके. फिर ई नॉट को कॉमन लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है. फिर सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया. अब वी निकल गया, वी पुट कर दिया क्यू इक्वल टू सी वी में, वहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी हमारा आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के. फिर उसके बाद कंडक्टिंग स्लैब किया था. कंडक्टिंग स्लैब में जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो इंड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमने पाया था कि जो हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दोनों क्या आई थी इक्वल. उसकी वजह से जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो होती है हमारी ई नॉट माइनस ई पी. अब क्योंकि ई नॉट ई पी दोनों इक्वल थे तो ई हमारा निकल के आया था जीरो. तो देखो मैंने फिगर में ई इक्वल टू जीरो पुट भी किया था. फिर हमारा जो रिजल्ट बना था वो क्यू इक्वल टू सी वी के थ्रू सी निकलेगा क्यू बाई वी. क्यू हमारे पास है, वी हमें निकालना, तो वी क्या बनेगा, वी ड्यू टू एयर ओनली, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब की उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं होगा. तो वी डी टू एयर आया था, वी इक्वल टू एड का फॉर्मूला यूज़ किया. इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में ई नॉट, और एयर कितनी रह गई डी माइनस टी रह गई, और फिर वही सब प्रोसेस जो ऊपर चला था आपका. वैल्यू पुट करोगे सिग्मा की, वापस फॉर्मूला में पुट करोगे क्यू इक्वल टू सी वाले में वी की वैल्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी. और फिर मैंने बताया था कि अगर ये पूरा कंडक्टिंग स्लैब से भर दे तो डी आपका टी के इक्वल हो जाएगा. जब आप टी की जगह डी पुट करोगे तो आपका सी आएगा इनफाइनाइट. तो दिस वॉज ऑल अबाउट येस्टरडे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर रिमेनिंग लास्ट टू टॉपिक्स.
वो है आपका, सबसे पहले देखो ये टेबल देखते हैं, ये दो टॉपिक रहते हैं कि ये टेबल रहती है और एक छोटी सी डेरिवेशन रहती है, देन वी विल स्टार्ट डूइंग योर न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले टेबल देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही होगी, इसमें सी है कैपेसिटेंस, क्यू है आपका चार्ज, वी है पोटेंशियल, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू है आपका एनर्जी स्टोर्ड, जो आप पढ़ी थी ना आपने, हाफ सी वी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बाई टू सी क्यू हाफ क्यू वी, तो ये एनर्जी को शो कर रहा है आपकी, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ये राइट साइड में देखो आपके बीच में जो मिडल में है, मिडल में गिवन आपकी, मिडल में आपकी टेबल गिवन है, जब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है हमने, और सबसे राइट साइड में जो आपकी टेबल है उसमें आपको दिख रहा होगा बैटरी डिस्कनेक्टेड, मतलब जब मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूंगा तब। अब देखो ये टेबल क्या होती है, अब हम वो सिचुएशन पढ़ेंगे जब बैटरी कनेक्टेड है और हमारा जो कैपेसिटेंस है मैं उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है के, तो क्या क्या असर होगा आपका इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, वो हमें इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो आपका कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है, तो भाई बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो आपका कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स हो जाएगा, आपका जो इनिशियल था जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं की थी, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे तो इंसर्ट करने के बाद हमेशा आपका कैपेसिटेंस हो जाता है के टाइम्स, तो इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कैपेसिटेंस इज के टाइम्स, दोनों केस में के टाइम्स हो जाएगा। अब आते हैं चार्ज की तरफ, अब देखो जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो उस टाइम पे आपका चार्ज हो जाता है के टाइम्स, किस फॉर्मूले का यूज़ करके, आपका क्यू इक्वल टू सी वी एक फॉर्मूला होता है तो उस टाइम पे आपकी एक बार चेक करो, क्यू इक्वल टू सी वी, वी तो आपका कांस्टेंट रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा भाई, बैटरी जितना पोटेंशियल दे रही है उतना ही तो रहेगा, इसका मतलब क्यू डिपेंड कर रहा है आपका सी पे, अब सी के टाइम्स हो रहा तो क्यू भी क्या हो जाएगा के टाइम्स, तो आप सीधा याद रखो आपका सी और सी तो दोनों टाइम्स के रहता है, और क्यू आपका क्या हो जाता है बैटरी कनेक्टेड में के टाइम्स, और किसके थ्रू, क्यू इक्वल टू सी वी के थ्रू, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपका जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो क्यू पे क्या असर पड़ता है, अभी आपको लॉजिकली याद रखना, फिर से क्यू इक्वल टू सी वी मत डालना इसमें, क्योंकि अगर क्यू इक्वल टू सी वी डालोगे तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे आप हमेशा, इसको आप इस तरह याद रखोगे। अब जब आपने बैटरी जब कनेक्टेड थी, आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया और उस पर 10 कूलम चार्ज गया, तो जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो अब उस पर 10 ही कूलम तो रहेगा चार्ज, जितना हमने पहुंचा दिया उतना ही रहेगा, तो आपका क्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर आते हैं पोटेंशियल की तरफ, अब जब बैटरी कनेक्ट है, आपने 10 वोल्ट की कोई बैटरी लगा ली मान लो, तो आपने जब 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो पोटेंशियल उतना ही तो रहेगा, अब बेशक उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करो, कुछ भी करो कैपेसिटेंस में कैपेसिटर में, आपका वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड है, उसके बाद जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तब वी पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, वहाँ से वी बनेगा आपका क्यू डिवाइड बाय वी, अब जब बैटरी डिस्कनेक्ट है क्यू तो आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब वी डिपेंड करेगा सीधा सीधा आपके सी पे, अब सी आपका के टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब वी कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स। अब चलते हैं आपका ई की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करना इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है, 1/k टाइम्स हो जाती है, ठीक है। किसका यूज करके निकालोगे, इसका सिंपल सा तरीका होता है आपका, एक फॉर्मूला था के इक्वल टू ई बाई ई नॉट होता था, वहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई, वो कितनी आती है, ई नॉट बाय के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1/k टाइम्स हो जाती है, ईजी है इसको याद करना। फिर आपका आता है एनर्जी स्टोर्ड, यू पे, अब देखो एनर्जी स्टोर्ड का आपका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वेयर बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वेयर और हाफ क्यू वी। तो देखो अब यहाँ पे बैटरी जब कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड है, यू के लिए हमेशा आप एक ही फॉर्मूला यूज़ करो, क्यू स्क्वेयर बाई टू सी, जो सबसे पहली बार आया था, वो आपको हेल्प करेगा पता लगाने में यू पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो यू होता है क्यू स्क्वेयर बाई टू सी, अब जब बैटरी कनेक्टेड है उस टाइम पे क्यू कितना हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है, और नीचे है क्यू स्क्वेयर बाई टू सी, सी है
सी कितना हो जाता है, वो भी के टाइम्स हो जाता है। अब ऊपर है क्यू स्क्वेयर, तो हमारा वहां से क्या निकल के आएगा, के स्क्वेयर, क्योंकि चार्ज के टाइम्स हो रहा है। और नीचे है सी, तो वहां से के निकल के आएगा, के से के कैंसिल, तो हमारा क्या बच जाएगा, खाली के बच जाएगा। इसका मतलब यू कितना हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। उसके बाद आपका देखते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड के केस में। अब क्यू स्क्वेयर बाई टू सी फॉर्मूला होता है, हमें पता है। अब जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो जाती है तो आपका चार्ज तो है कॉन्स्टेंट, तो चार्ज की वजह से कोई भी के नहीं आएगा। अब बाय टू सी, टू सी 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 हमेशा के टाइम्स हो जाता है, तो अब हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है 1/k टाइम्स, तो यू आपका हो जाता है 1/k टाइम्स। तो ये थी आपकी टेबल। एक बार जल्दी सी आपको बस एक वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको टेबल इजीली याद रहेगी। थोड़ा ध्यान से देखो टेबल। हमेशा टेबल लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज लिख दो। ये लिख दो आपकी कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी। आपको पहले तो याद रहे पांच होती है। उसके बाद बैटरी कनेक्टेड में, अब थोड़ा सा एक बार एक पैटर्न देखो। बैटरी कनेक्टेड डिसकनेक्टेड में सी हमेशा क्या होता है, के टाइम्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, 1/k टाइम्स, 1/k टाइम्स हो जाती है, हो जाती है। उसके बाद देखो आप राइट साइड में जो ई के आसपास वाले हैं, ई के ऊपर वी है और नीचे यू है, ऊपर वी नीचे यू, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तब ई 1/k टाइम्स है, तो ये ऊपर वाले को भी 1/k टाइम्स कर देता है, नीचे वाले को भी 1/k टाइम्स कर देता है। ओ, अब बैटरी जब डिस्कनेक्टेड रहती है तो क्यू आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड वाली टेबल तो आपको हो गई याद। अब बैटरी कनेक्टेड वाली देखो कौन सी चीज़ें रह गई। सी तो के टाइम्स आपको याद रहेगा, उसके बाद आपका ई 1/k टाइम्स हमेशा रहता है। अब तुम्हारा रह गया चार्ज। अब चार्ज दिमाग में रखो, जब बैटरी कनेक्टेड है तो के टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बस एक रह गया आपका एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा, अब एनर्जी याद रखना, एनर्जी आप क्यू स्क्वेयर बाय टू सी के थ्रू याद रख सकते हो। किसी भी तरह से, इन शॉर्ट मैं बोलूँगा आपको ये टेबल याद रखनी है। अब कोई भी पैटर्न यूज़ करो। व्हेन आई सी यू इन क्लास, तो मैं आपको बोर्ड पे एक स्टोरी के थ्रू इसको याद करा दूंगा, बट आई बी नीडिंग अ बोर्ड फॉर दैट। तो व्हेन आई सी यू, आप एक पैटर्न बनाने की कोशिश करें। जब मिलेंगे तो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ट्राई करूंगा कि इसको आपको याद कराऊं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लास्ट टाइम तक मैं ये कराता नहीं था टॉपिक, बट ये है, नाउ वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क बिकॉज सीबीएसई कैसा भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको निकालना है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है। अब आपको ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूलाज पता है, क्यू स्क्वेयर बाई टू सी, हाफ सी वी स्क्वेयर एंड हाफ क्यू वी। तो आपको ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में जब लगे होते हैं उसमें एनर्जी क्या होगी। तो मैंने मान लिया सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले निकालूंगा कि एन कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगाए हैं, तो लेट अस कंसिडर एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब आप सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या बनता है, 1/C से निकलेगा। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अब हमें पता है भाई एनर्जी स्टोर्ड किसी भी कैपेसिटर में होती है, सबसे मेन जो आपका फॉर्मूला था क्यू स्क्वेयर बाय टू सी। अब बात आएगी, सर आप तीन फॉर्मूले में से क्यू स्क्वेयर बाय टू सी ही क्यों यूज़ कर रहे हो सीरीज में, तो इसका रीज़न ये होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज क्या रहता था, सेम रहता था, याद हो तो आपको। तो इसलिए आप वो चीज़, वो फॉर्मूला उठाओगे जिसमें आपकी वो क्वांटिटी है जो सेम रहती है। याद रखो, जब इनकी डेरिवेशन कर रहे थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, हम जब कैपेसिटेंस निकालने के, तो हम वो चीज़ से स्टार्ट करते थे जो चीज़ चेंज होती है। पर जब आप इनकी एनर्जी स्टोर्ड की डेरिवेशन करोगे तो आप उस चीज़ से स्टार्ट करोगे, वो फॉर्मूला उठाओगे जिसमें आपकी जो चीज़ सेम रहती है वो। तो आपका चार्ज सेम रहता है तो आप वो वाला फॉर्मूला उठाओगे, क्यू स्क्वेयर बाय टू सी। अब आपका 1/C की क्या वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी वो पुट कर दोगे आप, अब फिर मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो आपका आ जाएगा क्यू स्क्वेयर बाय टू सी वन प्लस क्यू स्क्वेयर बाय टू सी टू प्लस क्यू स्क्वेयर बाय टू सी थ्री एंड सो ऑन। और आप अगर देखोगे तो क्यू स्क्वेयर बाय टू सी वन आपकी एनर्जी स्टोर्ड है पहले कैपेसिटर में, ऐसे ही अगली है दूसरे में, अगली है तीसरे में एंड अप टू एन। तो आपका रिजल्ट बनेगा एनर्जी स्टोर्ड
in series combination is equal to energy stored in first capacitor plus energy stored in second capacitor plus and so on. So this was about your series combination. Easy tha, ab parallel ki taraf chalte, wo bhi easy hai. Dekho, uske baad hai aapka next parallel combination. Parallel combination में फिर से आप क्या करोगे? Let us consider n capacitor of capacitance C1, C2, C3 and so on are connected in parallel. तो resultant capacitor क्या बनेगा parallel में? C equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn. अब formula कौन सा use करोगे? हम कहेंगे as we know energy stored in a capacitor is given by U equal to half CV square. अब मैंने CV square क्यों use किया half CV square वाला? क्योंकि इसके case में potential parallel के case में constant रहता है. अब पोटेंशियल आपका V वाला इसी फॉर्मूले में. अब बच्चा कहेगा सर ये तो हाफ क्यू में भी है, पर हाफ क्यू में आपका Q और V दोनों एक साथ है, मुझे दोनों एक साथ नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल चीज़ चाहिए फॉर्मूले में, या तो Q हो या V हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिसाइड कर लेंगे. क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मुझे चाहिए V कॉन्स्टेंट होना वाला फॉर्मूला, तो वो आपका हाफ सी वी स्क्वेयर में है, तो आप वो पुट करोगे. अब आपका C की क्या वैल्यू निकाली हमने? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में. अब मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ वी स्क्वेयर को अंदर, तो आपका आ जाएगा हाफ C1 वी स्क्वेयर प्लस हाफ C2 वी स्क्वेयर प्लस हाफ C3 वी स्क्वेयर एंड सो ऑन. तो आपका बन जाएगा U1, पहला हाफ C1 C1 वी स्क्वेयर बन जाएगा U1, ऐसे U2 प्लस U3 एंड सो ऑन. तो आप कहोगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर. तो ये था आपका लास्ट डेरिवेशन कैपेसिटेंस की. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग योर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, टेबल आप याद रखना, ये टेबल आपको बहुत काम आएगी आगे, किसी पैटर्न के थ्रू आप याद रखो. और सबसे ईजी रहता है सी हमेशा क्या रहेगा? के टाइम्स. ई हमेशा हो जाता है वन बाय के टाइम्स. और Q का कांस्टेंट होने का और V का कांस्टेंट होने का लॉजिक आपको बस लॉजिकली याद रखना है. जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, डिसकनेक्ट होने के बाद चार्ज कांस्टेंट रहेगा आपका, क्यों जितना चार्ज दे दिया वो दे दिया. उसके बाद बाकी टर्म्स आप कैसे भी करके याद रखो इसको. ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.